जय यीशु, मेरा नाम सज्जन फ्रांसिस है और मैं लखनऊ धर्म प्रांत का एक युवा हूँ। आज मैं लखनऊ धर्म प्रांत द्वारा आयोजित साम रेसिटेशन कंपटीशन में भाग लूंगा। स्तोत्र ग्रंथ का जो अध्याय आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, वह अध्याय बचपन से ही मेरे हृदय के बहुत ही करीब रहा है। कोई भी जरूरी काम करने से पहले मैं इस अध्याय को जरूर पढ़ता हूँ। इस अध्याय को पढ़ के मुझ में एक आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। मुझे इस अध्याय के हर एक शब्द पर पूरा भरोसा है। चलिए मैं अपना साम रेसिटेशन शुरू करता हूं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिराकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 6 तक। धन्यवाद।